दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अरबों साल पुरानी है, लेकिन हमारे पूर्वज आदि मानव लाखों हजारों साल पुराने हैं। ये एक जंगली प्राणी थे और ये बंदर जैसी प्रजाति मानव प्रजाति की मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। आज की जो हमारी जिंदगी है, आधुनिक काल की, ऐसो आराम की, क्या पहले हमारे पूर्वज यानी आदि मानव की जिंदगी ऐसी ही होती थी? आदि मानव के परिवार का विस्तार कैसे हुआ? वे सेक्स कैसे किया करते थे? हम बंदर से आदि मानव और आदि मानव से इंसान कैसे बन गए? चलिए आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक आधार पर यह माना जाता है कि आज से अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और इन्हीं अरबों साल में लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था, जो कि लगभग 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर जीवित रहे। लेकिन नेचुरल घटनाएं होने की वजह से 6.5 करोड़ साल पहले ही डायनासोर का खात्मा हो चुका था। इसके बाद इंसानों की उत्पत्ति होना शुरू हुआ। आज से 5.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर इंसान बनने की कहानी शुरू होती है और वो कहानी है हम इंसान, जिसे आदि मानव के रूप में जानते हैं। आदि मानव के काल में जंगल ही जंगल होते थे और इसी जंगल में ये आदि मानव जंगली की तरह रहा करते थे। इनकी जिंदगी बहुत ही कष्ट और डर में गुजरती थी। ये जंगलों में जहाँ तहाँ जंगली जानवर की तरह ही रहते थे और जानवरों से बहुत डरते थे। उस टाइम इनके पास न तो हथियार थे और न ही फुर्तीले दिमाग। ये जंगलों में घूम घूम कर भोजन की तलाश करते थे और अपने से कमज़ोर जानवरों का शिकार करके उसका मांस कच्चा ही खा जाते थे। कभी कभी जानवर न मिलने पर फल फ्रूट जड़ी बूटी ही खाकर अपना पेट भर लेते थे। दोस्तों, इसी आदि मानव काल को पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। इस काल में आदि मानव एक ग्रुप में ही परिवार की तरह रहा करते थे। दिन में तो वे अपनी रक्षा आसानी से कर लेते, लेकिन रात में उन्हें काफ़ी डर लगता था क्योंकि जंगली जानवर उन्हें देखते ही मार डालते थे। इसीलिए इन जानवरों से बचने के लिए वे रात को पेड़ पर ही सो जाते थे। यहाँ तक कि उनके पास किसी भी तरह का हथियार भी नहीं हुआ करता था, जिससे वे अपने तथा अपने समूह के लोगों की रक्षा कर सके। उनका एक ही लक्ष्य होता था, किसी भी तरह से अपना पेट भरना। इसलिए ये आदि मानव पूरा दिन इधर से उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे और खाकर जिंदा रहते थे। दोस्तों, यह सच्ची बात है कि हम इंसानों को इस धरती पर कई दशक बीत गए। करोड़ों साल पहले जब जिंदगी की शुरुआत हुई तो बंदर जैसी प्रजाति आई थी और इन्हीं बंदरों में से एक नए नस्ल का आगाज हुआ, जिसे हम आदि मानव के नाम से जानते हैं। बंदर जैसी प्रजाति ने अपने दो पैरों पर चलना सीख लिया और खाने की तलाश में शिकार करना शुरू कर दिया। इनके न तो फुनकीले दांत थे और न ही बड़े पंजे, इसलिए ये शिकार के लिए लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। जंगली जानवरों के डर से ये आदि मानव हमेशा झुंड में ही रहा करते थे, जिससे उन्होंने परिवार बनाना सीख लिया। आदि मानव के द्वारा मारे गए जानवरों पर कभी कभी बड़े जानवर भी हक जमा लेते थे और यह देख आदि मानव वहाँ से डरकर भाग जाते थे। दोस्तों, उस टाइम में आदि मानव को अपनी जान की रक्षा करना एक भयंकर चुनौती होती थी। कभी तो जंगली जानवर आदि मानव के लिए मौत बनकर बरस पड़ते थे। इसीलिए ये आदि मानव जब भी भोजन की तलाश में निकलते तो ग्रुप में ही जाते थे और छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर लेते थे। फिर सभी आदि मानव साथ में मिल बांट कर मांस को खाते थे। ये मांस खाने की वजह से आदि मानव का दिमाग धीरे धीरे बड़ा और विकसित होने लगा। आदि मानव की न जाने कितनी प्रजातियां इस धरती पर लाखों साल पहले राज किया करती थी। इन्हीं में से एक प्रजाति थी होमो सेपियंस, जिसे हम यानी मानव बने। होमो सेपियंस करीब 30 लाख साल पहले अफ्रीका के कई भागों में पाए जाते थे। ये जिस्मानी तौर से कद में थोड़े छोटे और शरीर पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे और ये सभी आदि मानव एक ग्रुप में ही रहा करते थे और एक दूसरे की हिफाजत भी करते थे। इस ग्रुप में मादा से ज्यादा नर आदि मानव की जनसंख्या ज्यादा हुआ करती थी। दोस्तों, आदि मानव जंगल में किसी दूसरे जानवरों की तरह ही रहा करते थे। कभी कभी ये खतरनाक जंगली जानवरों का शिकार भी बन जाते थे। ये एक परिवार बनाकर रहते थे और ग्रुप में भोजन की तलाश करते थे। भोजन न मिलने पर ये जड़ी बूटी या जंगली फल फूल खाकर अपना पेट भर लेते थे। आदि मानव जानवरों का शिकार करने के लिए लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करते थे। फिर इन्हीं लकड़ी और पत्थर से धारदार हथियार बनाना शुरू कर दिए। माना जाता है कि होमो सेपियंस मांस खाने के शौकीन थे और इन जानवरों द्वारा किए गए शिकारी मांस को चुराकर खा जाया करते थे। बड़े बड़े मरे हुए जानवरों को काट काट कर खाते थे। जब ये मांस खाने लगे तो इनका दिमाग धीरे धीरे बड़ा और विकसित होने लगा और इनके अलावा और कई तरह तरह के बदलाव इनके शरीर में आने लगी। ये प्रजाति लगभग 15 लाख साल तक इस धरती पर राज किया और आज से करीब 14 लाख साल पहले ये दुनिया से खत्म हो चुके थे, लेकिन इनकी कुछ प्रजाति आज भी अफ्रीका में पाई जाती है। दोस्तों, आदि मानव ने पत्थरों को टकराने के बाद आग को जलाना सीखा था, जिससे स्वयं तथा जानवरों की सुरक्षा में काफी सहायता मिलती थी।
इसी में एक प्रजाति आई थी होमो इरेक्टस, जिसका अर्थ होता है सीधा चलने वाला आदमी। यह होमोनीर की एक विलुप्त प्रजाति है जो कि अधिकांशतः प्लेस्टोसीन भूवैज्ञानिक युग के दौरान रहा करता था। इसका पहला जीवाश्म सबूत 19 लाख साल पहले और लेटेस्ट 70,000 साल पहले मिला था। आमतौर पर माना जाता है कि होमो इरेक्टस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और वहाँ से धीरे धीरे फैलती चली गई। यह पलायन करते हुए पूरे यूरेशिया में दूर दूर तक, जॉर्जिया, भारत, श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया तक पहुँच गए। दोस्तों, आदि मानव जंगलों में किसी दूसरे जानवरों की तरह ही रहते थे, जहाँ उन्हें दो चीज़ों का ज़्यादा डर रहता था, एक मौसम और दूसरा जंगली जानवर। वे बादल के गरजने और बिजली के कड़कने का कारण नहीं जानते थे, इसीलिए वे काफ़ी डर जाते थे। उस टाइम पे आदि मानव काफ़ी कमज़ोर भी होते थे और ना ही उनमें ज़्यादा बौद्धिक ज्ञान होता था, जिस वजह से जंगली जानवर उनका शिकार बहुत आसानी से कर डालते थे। खास करके ये तेंदुआ जैसे प्रजाति आदि मानव को ज़्यादा अपना शिकार बनाते थे, क्योंकि उस टाइम में यही एक ऐसा जानवर हुआ करता था जो पेड़ों पर आदमी की तरह छड़प कर चढ़ जाता था, इसीलिए ये जानवर आदि मानव का शिकार आसानी से कर लेते थे। शुरुआत में आदि मानव कपड़े नहीं पहनते थे, ये हमेशा नग्न ही हुआ करते थे। इनके सेक्स करने के लिए कोई नियम या टाइम नहीं होता था। इन आदि मानव के घर में जो बड़ा हुआ करता था वो किसी के भी साथ संभोग कर लेते थे और उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ा करते थे। इस तरह से धीरे धीरे उनके वंशज का विस्तार होता चला गया और इसी विस्तार में जैसे जैसे आदि मानव विकसित होने लगे, वैसे वैसे वे आग जलाना सीख लिया और झोपड़ी बनाकर गुफाओं में रहने लगे। दोस्तों, हम सब आधुनिक इंसान हैं और ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज होमो सेपियंस थे, जो कि आदि मानव की प्रजाति में से सबसे अंतिम वाली प्रजाति थी, जो कि अफ्रीका में पाई जाती थी। कुछ सालों के बाद होमो सेपियंस से नियंडरथल नाम की प्रजाति आई। इस प्रकार आदि मानव का क्रमिक विकास होता गया और कई प्रजातियों के विकसित होने के बाद हम यानी मानव बने, जो कि आज इस धरती पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सफल प्राणी बन गए। जैसे जैसे उनके दिमाग में परिवर्तन आना शुरू हुआ, वे अपने आप को अपग्रेड करने लगे। समय बीतने के साथ साथ वे जानवरों को मारने और जमीन को खोदने के लिए उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। समय बीतता गया और मानव की अनेक प्रजातियाँ अपने आप को डेवलप करती रही और मानव आदि मानव से आधुनिक मानव तक बन गया। उन्हें यहाँ तक आने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई लाखों सालों के बाद आज हम लोग इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी जीवन में परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी धीमी गति से आते हैं और हम इंसानों की जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम इन परिवर्तनों को देख सके। यानी बंदरों से इंसान बनने की प्रक्रिया कोई 500 या 1000 साल में पूरी नहीं हुई, बल्कि इनमें लाखों वर्षों साल लग गए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।